शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। नवाब मलिक तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाब मलिक तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चले न जो दबे न जो, हम वो इंकलाब है। चले न जो दबे न जो, हम वो इंकलाब है। हम वो इंकलाब है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक साहब जो ईडी के खिलाफ कई महीनों से उनका भ्रष्टाचार की दादागिरी की बोगसगिरी बाहर लाने का काम मीडिया के माध्यम से देश की जनता के सामने लाने का काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी और ईडी के जो काले कारनामे हैं, जो ईडी के अधिकारियों के काले कारनामे हैं, उसको बाहर लाने का काम कर रहे थे। महाविकास आघाड़ी सरकार के अनेक मंत्री, अनेक नेतागण ईडी के भ्रष्टाचार को बाहर निकालना, ईडी के गलत रवैयों को बाहर निकालना ये काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अमित शाह साहब और पूरी सरकार महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार से डर गई थी और यही कारण है कि नवाब मलिक साहब ने दो महीना पहले ये बात मीडिया के माध्यम से उनको दावत दी थी ईडी को कि मेरे घर के ऊपर कॉफी पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए आ जाओ, मेरे दरवाजे खुले हैं। इन्हें पहले से ये बात लग रही थी कि नवाब मलिक साहब के ऊपर कोई ना कोई गलत इल्ज़ाम लगाकर, झूठा इल्ज़ाम लगाकर कार्रवाई की जाएगी और आज सुबह नवाब मलिक साहब के मकान पर कुर्ला में ईडी ने छापा मारा, ईडी ने कार्रवाई की, उनको उनकी ऑफिस के अंदर ईडी के कार्यालय के अंदर लाया गया और अभी उनको अटक कर लिया गया। हम उसका निषेध करते ईडी की ये कार्रवाई का और भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की जो नेता दलाली करेगा उसको ईडी की कार्रवाई नहीं होगी। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोधी पक्ष को कोई नेता चला जाएगा, पार्टी प्रवेश कर लेगा, तो वो दूध का धोया हुआ समझ में आता है, वो पवित्र हो जाता है। और विरोधी पक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के जितने विरोधी पक्ष है, जो भी नेता बोलेगा उसको ईडी की कार्रवाई, उसको इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई की इंक्वायरी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम उसका निषेध करते हैं। लेकिन आदरणीय शरद पवार साहब ने संघर्ष करने का जो आदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया, नवाब मलिक साहब ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से आज कहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता नवाब मलिक साहब के साथ खड़े हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ खड़े हैं और जब जब वक्त पड़ेगा हम संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम हम लोग करेंगे। इसके लिए आज हम लोगों ने उनके, नवाब मलिक साहब के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के अंदर आज ही हमने प्रोटेस्ट किया है, आंदोलन किया।